बच्चों इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में तो पहला क्या बोल रहा है पॉपुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल सॉइल में पॉपुलेशन रेट कितना है इट मीन्स वो कितना ज़्यादा होल्ड कर रहा है वाटर को भूजो एन पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर एंड फिफ्टी सेंटीमीटर ईच बुजन पहेली ने क्या किया दो डिफरेंट स्क्वायर को मार्क किया जिसका साइज़ क्या था फिफ्टी सेंटीमीटर इंटू फिफ्टी सेंटीमीटर ईच वन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड एक कहाँ पे मार्क किया ऑन अ कच्चा रोड और दूसरा कहाँ किया अपने फ्लोर पे दे फिल टू बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर और उन्होंने क्या किया बच्चों बॉटल को फिल किया जो कि सेम साइज़ के थे दे एम टीट द वॉटर फ्राम द बॉटल्स और बॉटल्स को क्या किया खाली कर दिया वन ऑन ईच एट द सेम टाइम इन द टू स्क्वायर दोनों स्क्वायर में जो डिफरेंट डिफरेंट बॉटल से पानी को क्या कर दिया खाली कर दिया दे ऑब्ज़र्व डेट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोन डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब उन्होंने क्या देखा जो वाटर है वो फ्लोर पे गिर गया और एब्जॉर्ब नहीं हुआ पर कह रहा है ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब लेकिन कच्चा रोड पे क्या हुआ जब उन्होंने वाटर डाला तो वो वॉटर एबजॉर्ब हो गया था ना और लेट एस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक जगह तो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और दूसरी जगह वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों बूजो वंडर डर वाई देअ वॉज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर इन द टू स्क्वायेर तो बूजो जानना चाहता है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर में वाटर का एब्जॉर्बशन डिफरेंट क्यों है तो उसके लिए समझाने के लिए एक एक्टिविटी है नाइन पॉइंट फोर फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू थ्री टीम थ्री टीम्स में अपने आपको डिवाइड कर लेना है जितने बच्चे हैं नेम द टीम ए बी एंड सी और कह रहा है जब डिवाइड करने के बाद नाम दे दिया टीम ए टीम बी टीम सी यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वॉटर पासिस डॉन द सॉयल और आपको देखना है कि हर टीम में जो वॉटर है वो कितना जल्दी पास हो रहा है सॉइल में यू विल नीन अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप आपको क्या चाहिए एक्टिविटी करने के लिए एक हॉलो सिलेंडर चाहिए या फिर आपको एक पाइप चाहिए इन श्योर डाट ईच टीम यूजेज अ पाइप ऑफ द सेम डायमीटर और ध्यान रखना है कि जितने टीम हैं ए बी सी तीनों को क्या करना है जो पाइप लेना है जिसकी डायमीटर सेम होनी चाहिए सम सजेशन फॉर ऑप्टेनिंग सच अ पाइप गिवन बिलो कैसे ले सकते हो इफ़ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टीन कैन छोटा सा टीन कैन ले लीजिए एंड कट ऑफ इट्स बॉटम और उसको बॉटम को कट कर दीजिए या तो आप ऐसे ले सकते हो या तो कह रहा है दूसरा इफ़ पी वी सी पाइप है अप्रोक्सीमेटली डायमीटर कितना है फाइव सेंटीमीटर इज़ अवेलेबल कट इट इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग अगर पी वी सी पाइप है घर में जिसका डायमीटर कितना है फाइव सेंटीमीटर है तो उससे उसके लेंथ कितनी होनी चाहिए ट्वेंटी सेंटीमीटर लेंथ रखिए और उसे कट कर दीजिए और उसे यूज़ करना है तो ये तो पता लग गया कि पाइप कैसे लेना है या तो एक स्मॉल टीन कैन ले लीजिए उसके बॉटम को कट कर दीजिए अदरवाइज़ कोई पीवीसी पाइप है जिसका डायमीटर फाइव सेंटीमीटर है तो उसको क्या करना है लॉन्ग कितना लेना है ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है एट द प्लेस वेर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अंडर अबाउट टू सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड कह रहा है कि आप जहाँ से सॉइल को कलेक्ट कर रहे हो उस पाइप को टू सेंटीमीटर डिप क्या करना है ग्राउंड में डाल देना है और 200 हंड्रेड एम वाटर इन द पाइप स्लोली ये देखिए फिगर से समझ में आ रहा है और उसमें वाटर कितना डालना है 200 हंड्रेड एम वाटर डालना है धीरे धीरे फॉर मेजरिंग 200 हंड्रेड एम एल वाटर यू कैन यूज़ एनी एम टी टू हंड्रेड एम आपको 200 हंड्रेड एम वाटर डालने के लिए कोई भी एम टी ले सकते हो 200 हंड्रेड का नोट द टाइम वेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर और टाइम को नोट करना है कि जब आप वाटर में क्या कर रहे हो वाटर सॉइल में डालने लग जा रहे हो When all the water has फुलेटेड लीव the pipe empty। जब सारे पानी क्या हो गए एब्जॉर्ब हो गए तो पाइप को एम्प्टी रहने दो नोट द टाइम अगेन और टाइम को नोट करना है इट मीन्स टाइम को कम नोट करना है जब आप वाटर डाल रहे हो सॉइल में और जब क्या हुआ पूरा पानी आपने डाल दिया और पाइप को वहीं रहने देना है तो दोनों टाइम टाइम नोट करना है बी केयरफुल नॉट टू लेट द वॉटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउट साइड ऑफ द पाइप वाई पोरिंग इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप पानी डाल रहे हो उस पाइप में तो पानी बाहर नहीं जाना चाहिए कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन बाई यूजिंग अ फॉलोइंग फॉमूला अब आप रेट ऑफ पर्कुलेशन कैसे बता सकते हो तो यहाँ एक फॉर्मूला दे रखा है पर्कुलेशन रेट क्या हो गया एम एल पर मिनट क्या होता है अमाउंट ऑफ वाटर इन एम एल अपॉन पर्कुलेशन टाइम मीन्स कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे हो और अपॉन टाइम कितना है तो जैसे कह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल सेट करके बता रहा है इट टुक ट्वेंटी मिनट्स फॉर टू हंड्रेड एम एल टू पर्कुलेट ट्वेंटी मिनट्स लग रहे कितने वाटर को टू हंड्रेड एम एल वाटर को पर्कुलेट करने के लिए तो रेट ऑफ़ पर्कुलेशन क्या होगा यहाँ हमने क्या देखा है अमाउंट ऑफ वाटर तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना लिया था टू हंड्रेड एम एल और पर्कुलेसन टाइम तो टाइम कितना है बच्चों ट्वेंटी मिनट्स तो क्या होगा टेन एम एल पर मिनट तो अगर ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेट द रेट ऑफ पॉपुलेशन इन योर सॉइल सैम्पल तो इसी तरीके से जो टीम ए टीम बी टीम सी है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो रेट ऑफ़ पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कंपेयर योर फाइंडिंग विद अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैम्पल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और सॉइल सैम्पल को कैसे अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन तो बच्चों ये तो हमें समझ में आ गया कि पॉपुलेशन क्या होता है और रेट ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या है आप कैसे निकाल सकते हो अपने अपने सैंपल को भी नाइन पॉइंट फाइव मॉइस्चर इन सॉइल हमें अब किसके बारे में पढ़ना है सॉइल में मॉइस्चर के बारे में हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे क्या आप कभी गए हो फार्म लैंड कब ड्यूरिंग अ हॉट समर डे पर द एयर एबव द लैंड इज शिमरिंग कह रहा है जो एयर है कहा अबव द लैंड ये कैसा हो रहा है शिमरिंग मीन्स शाइनी है वाई इज़ इट सो ऐसा क्यों हो रहा है ट्राई दिस एक्टिविटी टू फाइन द आंसर एक्टिविटी करना है नाइन पॉइंट फाइव टू फाइन द आंसर देखते हैं नाइन पॉइंट फाइव में क्या करना है टेक अ बॉइलिंग ट्यूब एक बॉयलिंग ट्यूब ले लीजिए पुट टू स्पूनफुल ऑफ अ सॉयल सैम्पल एन एड एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है उसमें क्या रखना है बच्चों सॉइल सैम्पल लेना है दो चम्मच हीट इट ऑन अ फ्लेम और उसे फ्लेम पर हीट करिए जैसे फिगर कहाँ दिखा रखा है नाइन पॉइंट सिक्स में एंड ऑब्जर्व इट हीट करिए और ऑब्जर्व करिए क्या कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं लेट एस फाइंड आउट वॉट हैपन्स अपॉन हीटिंग जब आप सॉइल को हीट कर रहे हो तो क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनी वेयर क्या आपको कोई वाटर ड्रॉप्स दिख रहा है इफ़ यस वेर डिड यू फाइन दैम अगर दिख रहा है तो कहाँ दिख रहा है कह रहा है ऑन हीटिंग वाटर इन दॉयल इेट्स जब आप हीट कर रहे हो ये फिगर देखिए ये आपने क्या लिया है यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब लिया है और इसमें सॉयल का सैंपल लिया है और बच्चों हम यहाँ क्या कर रहे हैं बर्नर से उसे हीट कर रहे हैं ये रहा स्टैंड और क्या हो रहा है जब आप हीट कर रहे हो तब क्या हो रहा है जो वाटर है वो इवेपोरेट्स हो रहा है यहाँ देखिए मैंशन है ऑन हीटिंग वाटर इन दॉयल इवेपोरेट्स हीट करने के बाद जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट्स हो रहा है और ये क्या हो रहा है मूव अप एंड कंड ऑन द कूलर इन अ वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब और बच्चा ये क्या हो रहा है इसमें से जो वाटर प्रजेंट है वो वॉटर वेपर के फॉर्म में ऊपर आ रहा है और क्या हो रहा है कंडेंस हो रहा है कहाँ पर जो अपर पार्ट है ऑफ अ बॉइलिंग ट्यूब यहाँ पे कंडेंस हो रहा है ओके बच्चों ऑन अ समर डे द वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल रिफ्लेक्ट द सन लाइट तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि समर डे पे जो हमें सॉयल दिखता है वो शिमरिंग क्यों दिखता है बिकॉज ऑन हॉट समर डे वाटर वेपर जो आ रहा है कहाँ से सॉइल से बाहर निकल रहा है वो क्या कर रहा है सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड द एयर अबव द सॉयल सीम्स टू बी शिमर इसलिए जो एयर है सॉइल के अबव ये क्या हमें दिख रहा है शिमर मीन्स शाइनी दिख रहा है आफ्टर हीटिंग द सॉयल जब आप सॉइल को हीट कर लेंगे टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब ट्यूब से बाहर निकालिए कंपेयर इट विद द सॉयल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड और क्या करना है सॉइल को कंपेयर करना है जिस साइल को आपने हीट नहीं किया है और जिस साइल को आपने हीट किया है कह रहा है नोट द डिफरेंस बिटवीन देम अब दोनों में डिफरेंस देखिए तो क्या होगा जिस साइयल को आपने हीट नहीं किया था ये क्या था उसमें वाटर प्रेजेंट है और जिस साइल को आपने हीट किया है उसमें क्या हो गया बच्चों वाटर प्रेजेंट नहीं है वो क्या हो गया जो वाटर प्रेजेंट थे ड्यू टू हीटिंग वो वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो गया कंडेंस हो गया कहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो हॉट समर डे पे क्या होता है सॉइल शिमक क्यों दिखता है तो आप क्या बताओगे यहाँ पे मैंने आपको एक स्लाइड एक और ऐड किया है इफ़ वी पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे वी विल सी डैट द एयर अबव द सॉयल शिमरिंग जो एयर है क्या है सॉइल के अबव ये क्या हो रहा है बच्चों शिमरिंग हो रही है मीन्स शाइनी विद स्लाइटली शेकिंग लाइट दिस हैपेनेस फॉलो ये क्यों हो रहा है द सॉयल इन द फार्मलैंड कंटेन सम वॉटर जो फार्मलैंड में सॉयल है उसमें क्या हो गया कुछ वाटर प्रजेंट है ऑन अ हॉट समर डे गर्मियों के टाइम पे द वॉटर ऑफ द सॉइल इवेपोरेट्स जो वाटर प्रजेंट है सॉइल में वो इवेपोरेट्स होते हैं किस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर द वॉटर वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट इरेगुलरली ड्यू टू विच द एयर एबव द सॉयल सीम्स टू बी शिमा तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आ जाता है इसलिए मैंने आपको एक स्लाइड इसमें एक और ऐड कर दिया है नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाइन पॉइंट सिक्स दैट इज एब्जॉर्बन ऑफ वाटर बाई सॉयल ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में